दोस्तों ट्राई करके देखता हूँ ये मेंटेलिटी के साथ, कभी भी आप स्पोर्ट्स में नहीं घुसना है। कई बच्चे आते हैं, सर मैं देखता हूँ ट्राई करके, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और करूँगा। अगर आपकी ये सोच होगी तो आपको पहले ही आपके पास एक ऑप्शन है, नहीं हुआ तो ये करूँगा। अगर आप ऑप्शन लेके काम करेंगे ना, कोई भी स्पोर्ट्स या कुछ भी, तब तो आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे। आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मुझे करना ही है किसी भी कॉस्ट पे, अब मुझे ये पार उतारना है। मैंने भी जब देखो, मैं स्पोर्ट्स में आया 97 में, मैं उससे पहले एक अच्छी बड़ी कंपनी में प्राइवेट जॉब में था एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। जब स्पोर्ट्स में आया तो अपनी सब डिग्रियाँ एक फाइल में बंद करके रख दी। उस दिन के बाद से मुझे उन डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। स्पोर्ट्स किया, गुरु के आशीर्वाद से एक लेवल तक अचीव भी किया दोनों स्पोर्ट्स में, पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग। और अभी भी बहुत कुछ है जो मैं अचीव नहीं कर पाया, लेकिन प्रॉमिस है कि मेरे स्टूडेंट्स ज़रूर उस लेवल के आगे जाएंगे जहाँ तक मैंने गेम किया है, और वो बड़े से बड़ा टाइटल भी देश के लिए लेके आएंगे। लेकिन आपकी सोच पक्की होनी चाहिए। कभी भी बीच रास्ते में ये ख्याल आए ना कि गिव अप करने का, कभी नहीं। सोच लिया एक बार, क्योंकि देखो ट्राई करने में आपका साल 2 साल निकल जाएगा, 2 साल की बहुत वैल्यू है जीवन में, पता नहीं क्या कर सकते हैं आप इस 2 साल में। तो स्पोर्ट्स में आओ तो पूरे मन से आना है, पूरे डेडिकेशन के साथ, कि आप इसको पार उतार के ही छोड़ना है, तभी आप जल्दी चैंपियन बने, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की है, अगर आप समझ पाएंगे तो। थैंक यू।